एपिसोड की स्टार्टिंग में कुरुमी सावाको से बोल रही होती है कि वह जिस पर्सन से प्यार करती है वह कोई और नहीं बल्कि काजेहाया है। और अब यह सुनकर वहाँ पर सावाको काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि कुरुमी काजेहाया को पसंद करती है और मुझे इसमें कुरुमी की मदद करनी होगी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। और तभी कुरुमी सावाको को थैंक्स करते हुए बोलती है कि अब सावाको को उसकी मदद करनी होगी। और अब कुरुमी वहाँ से जाने लगती है। तभी सावाको कुरुमी को रोकती है और बोलती है कि वह इसमें कुरुमी की कोई भी मदद नहीं कर सकती है। अब कुरुमी सावाको से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलती है, तो तुम्हारे ख्याल से मैं और काजेहाया एक साथ अच्छे नहीं लगेंगे। सावाको बोलती है, नहीं मैं यह नहीं कहना चाहती हूँ। कुरुमी बोलती है, तो फिर तुम क्या कहना चाहती हो। और तुम ही एक पहली पर्सन हो जिसे मैंने इस बारे में बताया है, और अगर मैं काजेहाया को सूट नहीं करूँगी तो तुम्हें क्या लगता है काजेहाया के साथ किस तरह की लड़की सूट करेगी। सावाको बोलती है, नहीं यह बात नहीं है, काजेहाया और तुम्हारा काफ़ी अच्छा मैच है, पर पता नहीं क्यों मैं दिल से तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती हूँ। और काजेहाया सावाको के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, इसी वजह से सावाको इसमें कुरुमी की कोई भी मदद नहीं कर सकती है। वहीं यह बात बोलकर सावाको को कुरुमी के लिए काफ़ी बुरा लग रहा होता है। और अब सावाको बोलती है कि तुम समझ सकती हो कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। और तभी कुरुमी बोलती है, तुम सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। यह सुनकर सावाको इधर उधर देखने लगती है और सोचने लगती है कि यह अभी किसने बोला। अब कुरुमी बोलती है, तुम हमारे बीच से हट क्यों नहीं जाती, क्या तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि तुम दोनों के बीच कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अब यह सुनकर सावाको सोचने लगती है कि यह आवाज़ कुरुमी की ओर से आ रही है, और अब वह कुरुमी के पीछे देखने लगती है कि कहीं उसके पीछे से तो कोई नहीं बोल रहा है। और तभी कुरुमी चिल्लाते हुए बोलती है, अभी तुम क्या बोल रही थी कि मैं तुम्हारी कौन सी फीलिंग समझ सकती हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम भी काजेहाया को पसंद करती हो। यह सुनकर सावाको डर जाती है और बोलती है, नहीं ऐसी बात नहीं है। कुरुमी बोलती है, तो फिर वह तुम्हारे लिए स्पेशल क्यों है, क्या इसीलिए क्योंकि वह तुम्हारे साथ नाइस बिहेव करता है, या फिर वो तुम्हें ज़्यादा अटेंशन देता है और तुम्हारे साथ फ्रेंडली बिहेव करता है। सावाको बोलती है, हाँ शायद। तभी कुरुमी बोलती है, काजेहाया की यही पर्सनैलिटी है, वह सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करता है। वहीं अब कुरुमी का बदला हुआ रूप देखकर सावाको काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। अब कुरुमी बोलती है, यह अच्छी बात नहीं है सावाको, तुम्हारे ग्लूमी लुक की वजह से तुम्हें कोई भी अटेंशन नहीं देता है, तो तुम्हें काजेहाया का भी अटेंशन पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और क्या तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी तरह किसी प्रिटी और पॉपुलर पर्सन को काजेहाया अपना अटेंशन देना पसंद करेगा। और अब यह बोलकर कुरुमी वहाँ से भाग जाती है। वहीं पर सावाको को कुछ भी समझ में नहीं आता है, और अब पूरे टाइम सावाको कुरुमी के कहे हुए बातों के बारे में सोच रही होती है, पर अभी भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सभी अपनी क्लास में बैठे होते हैं, और तभी वहाँ पर पेन आकर बोलता है, जिस दिन का हमें इतने दिनों से इंतजार था आखिर वह आ ही गया, और आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, तो क्या तुम सभी लोग दूसरे टीमों को हराने के लिए तैयार हो। पर वहाँ पिन की बात सुनकर क्लास में कोई भी जोश नहीं दिखाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पहनने के लिए योशिडा अपने लिए एक टी शर्ट खरीद कर लाई होती है, और योशिडा को उस टी शर्ट में देखकर सभी लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं यानो सावाको के बाल बना रही होती है, और सावाको भी योशिडा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वहीं बगल में खड़ा काजेहाया अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, और तभी योशिडा बोलती है कि अब तुम लोग क्या करने वाले हो, जिस पर काजेहाया के दोस्त बोलते हैं कि पहले गर्ल्स का सॉकर मैच है तो इस मैच में वह सभी लोग उन्हें चीयर करेंगे। और अब योशिडा वहाँ पर सावाको के बाल बना देती है, जो देखकर वहाँ पर सभी लड़कियाँ सावाको की तारीफ करने लगती है। और अब काजेहाया सावाको के पास आता है और उसे हाई फाई देता हुआ उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब काजेहाया को देखकर वहाँ पर सभी लोग ऐसा ही करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि यह हम सभी के लिए एक गुड लक चार्म है जो सावाको की तरफ से हम सभी को मिल रहा है। और अब यह देखकर वहाँ पर सावाको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि गर्ल्स का सॉकर मैच स्टार्ट हो चुका होता है। वहीं योशिडा के टीम के 2 गोल होते हैं और सामने वाली टीम के 3 गोल, और अब वहाँ पर ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा होता है, जिससे वहाँ सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, और अब सभी की उम्मीदें योशिडा पर ही टिकी होती है। वहीं योशिडा ग्राउंड में अपनी पूरी ताकत लगाकर खेल रही होती है, और अब योशिडा वहाँ 1 गोल कर देती है, और अब उन्हें जीतने के लिए 1 और गोल चाहिए था। और अब वहाँ पर प्लेग्राउंड में काजेहाया और उसके दोस्त सावाको को ढूंढ रहे होते हैं, जो कभी दिखाई दे रही थी और कभी गायब हो जा रही थी। अब काजेहाया का दोस्त बोलता है, आजकल सावाको के भी काफ़ी अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं, और यह सब योशिडा और यानो की वजह से हुआ है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सामने वाली टीम योशिडा के गोल में गोल करने के लिए जा रही होती है, और गोल पोस्ट के पास कोई भी डिफेंडर खड़ा नहीं होता है। अब एक लड़की गोल करने के लिए बॉल को शूट करती है, पर तभी सावाको आकर बॉल को रोक लेती है, और अब सावाको बॉल को किक करके योशिडा को पास कर देती है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और तभी सावाको देखती है कि उसके पैर से उसका एक जूता गायब होता है,
अब हमें दिखाया जाता है कि कुरुमी काजा है को ढूंढते हुए उसके पास आ रही होती है उसके पास बैठने के लिए, और तभी सावाको का जूता उड़ता हुआ आकर कुरुमी के सर पर गिरता है। वहीं दूसरी ओर योशिडा के पास बॉल आते ही योशिडा बॉल को किक करके गोल कर देती है, और अब योशिडा की टीम वहां पर वह मैच जीत जाती है, जिससे वह सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं योशिडा भी काफी ज्यादा खुश होती है और वह जाकर सावाको को गले लगाकर बोलती है कि उसने आज काफी अच्छा खेला और आज उसी की वजह से वह सभी लोग जीत पाए हैं। और अब वह सभी लोग काजिहाया और उसके दोस्तों के पास आते हैं, जहां पर काजिहाया सावाको को हाई फाई देने के लिए अपना हाथ उठाता है, जिस पर सावाको अपना हाथ साफ करते हुए काजिहाया को हाई फाई देती है, और अब वह सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं खड़ी कुरुमी यह सब देख रही होती है और वह काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और अब वहां पर अगला मैच काजिहाया का होता है, जिस पर सावाको काजिहाया को गुड लक बोलती है, और अब काजिहाया सावाको को थैंक्स करके वहां से चला जाता है। तभी यानो सावाको के पास आती है और बोलती है तुमने आज काफी अच्छा काम किया सावाको। और अब वहां पर थोड़ी ही देर में यानो और योशिडा का वॉलीबॉल मैच भी स्टार्ट होने वाला होता है, जिसके लिए योशिडा यानो को चलने के लिए बोलती है, और अब योशिडा सावाको को भी उनके साथ चलने के लिए बोलती है, जिस पर सावाको उन्हें बताती है कि वह अपना एक जूता खो चुकी है और अब उसे वह जूता भी ढूंढना है। योशिडा बोलती है अभी तुम हमारे साथ चलो और हमारा मैच खत्म होने के बाद हम सभी एक साथ मिलकर तुम्हारे जूते को ढूंढेंगे। तभी यानो बोलती है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं सावाको, तुम यहीं पर रहकर काजिहाया की टीम को चीयर करो और उन्हें सपोर्ट दो। जिस पर सावाको तैयार हो जाती है और अब यानो और योशिडा वहां से जाने लगते हैं, और जाते हुए यानो सावाको से बोलती है कि उसे इसमें किसी भी हालत में जरूर जीतना है। यह सुनकर वहां पर सावाको को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यानो किस बारे में बोल रही है। अब योशिडा बोलती है यानो तुम सावाको से क्या बोल रही थी, तुम्हें पता है ना कि हमारा सॉकर मैच पहले ही खत्म हो चुका है और हम उसे पहले ही जीत चुके हैं। यानो बोलती है तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं। और तभी वहां पर कुरुमी सावाको का जूता लेकर सावाको के पास आती है। वहीं अब कुरुमी को अपने जूते के साथ देखकर सावाको काफी ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक्स करने लगती है। वहीं पर कुरुमी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वह सोच रही होती है कि वह इस जूते को कहीं दूर फेंक दे, पर तभी कुरुमी देखती है कि वहां पर कुछ लड़के उसे देख रहे होते हैं, और अब उनके सामने कुरुमी नाइस एक्ट करते हुए सावाको को उसका जूता दे देती है। अब कुरुमी वहां से जाने लगती है, तभी सावाको उसे रोकती है और उससे कल के बिहेव के लिए माफी मांगती है। तभी कुरुमी रुककर बोलती है कि सावाको उसे कुरुमी कहकर ना बुलाए, जिस पर खुश होते हुए सावाको कुरुमी को उमे चान कहकर बुलाती है, और अब यह सुनकर वहां कुरुमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वह उसे उमे कहकर ना बुलाए, क्योंकि जो भी कुरुमी को उमे कहकर बुलाता है वह उसका नाम अपने लिस्ट में लिख देती है। यह सुनकर सावाको सोचने लगती है कि अगर वह कुरुमी को उमे कहकर बुलाएगी तो वह सावाको का नाम अपनी डायरी में लिखेगी, और यह सुनकर वह काफी ज्यादा खुश होती है। यह देखकर कुरुमी को और भी गुस्सा आ रहा होता है और अब वह वहां से जाने लगती है, पर तभी सावाको उसे रोकती है और उसे उमे कहकर बुलाती है, जिस पर कुरुमी गुस्सा होते हुए बोलती है कि वह उसे उमे कहकर ना बुलाए। अब सावाको सोचने लगती है कि वह ना ही उसे कुरुमी बोल सकती है और ना ही उमे, तो वह उसे क्या कहकर बुलाए। अब कुरुमी बोलती है कि जब भी वह उमे नाम सुनती है तो वह खुद को छोटा महसूस करती है, क्योंकि उमे नाम एक ओल्ड लेडी जैसा लगता है, और उमे कुरुमी की ग्रैंड मदर का नाम था जो नाम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं। सावाको बोलती है पर उसे यह नाम क्यूट लगता है। कुरुमी बोलती है नहीं, यह नाम बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। अब सावाको बोलती है कि उसे सब लोग साडाको कहकर बुलाते हैं और उसका नाम साडाको है, जिस पर कुरुमी बोलती है कि नहीं, उसका नाम साडाको नहीं बल्कि सावाको है, और सावाको काफी क्यूट नाम है। और अब यह सुनकर सावाको को याद आता है कि कुरुमी ने कभी भी उसे साडाको कहकर नहीं बुलाया, वह स्टार्टिंग से ही उसे सावाको कहकर बुला रही है। अब सावाको कुरुमी से बोलती है कि अगर उसे बुरा ना लगे तो क्या वह सावाको के साथ फील्ड में बैठेगी, जिस पर कुरुमी गुस्सा होते हुए बोलती है पर वह यह काम क्यों करेगी। सावाको बोलती है क्योंकि थोड़ी ही देर में काजिहाया का मैच स्टार्ट होने वाला है, और अब यह सुनकर वहां पर कुरुमी मान जाती है, और अब वहां पर सावाको और कुरुमी एक साथ बैठे होते हैं। वहीं पर सभी लोग सावाको और कुरुमी को एक साथ बैठे हुए देखकर उनके बारे में बातें कर रहे होते हैं, और वहां पर सभी कुरुमी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। और अब ग्राउंड में काजिहाया और उसकी टीम आती है, और अब काजिहाया वहां पर सावाको को बैठा हुआ देखकर उसे हाई करता है। सावाको काजिहाया को हाई करने जा ही रही होती है कि तभी कुरुमी उसे रोक देती है और बोलती है कि काजिहाया उसे नहीं बल्कि कुरुमी को हाई कर रहा है। और अब वहां पर सावाको के साथ कुरुमी को बैठे हुए देखकर काजिहाया के दोस्त भी उसके बारे में बात करने लगते हैं, और वह लोग उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और तभी काजिहाया का दोस्त बोलता है कि सावाको भी सच में काफी ज्यादा कमाल की है, और जब आज उसने सावाको को सॉकर खेलते हुए देखा तो वह उसका फैन हो गया है। और अब वहां पर सभी लोग सावाको की भी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वहीं वह सभी लोग सावाको को साडाको बोल रहे होते हैं, जिस पर रियू उन्हें टोकता है और बोलता है कि उसका नाम साडाको नहीं बल्कि कुछ और है, जिस पर सभी लोग रियू से पूछने लगते हैं कि तुम ही बताओ उसका असली नाम क्या है। पर रियू को खुद ही सावाको का पूरा नाम याद नहीं होता है, और अब रियू अपने दिमाग पर काफी जोर देता है,
जिसके बाद फाइनली वह सबको का नाम बोल पाता है। अब वहाँ पर रियू के मुंह से सबको का नाम सुनकर काज्याहाया काफी ज्यादा हैरान होता है। अब रियू बोलता है कि सबको का असली नाम कुरोनोमा सबको है, जिस पर वहाँ पर काज्याहाया के सभी दोस्त यह मानने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि सबको का यह नाम नहीं है। अब रियू खुद कंफ्यूज होता हुआ बोलता है, तो क्या उसका नाम डोरोनुमा सबको है? और अब इसी बात को लेकर वह सभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं। तभी काज्याहाया उन सभी के बीच में आते हुए बोलता है कि अब उन सभी को वार्म अप करना चाहिए। और अब वहाँ पर सभी लोग अपनी कैचिंग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर काज्याहाया सोच रहा होता है कि वह पहली बार में सबको का फर्स्ट नेम नहीं बोल पाया था, पर रियू सबको का फर्स्ट नेम बोल पाया। और अब यह सुनकर काज्याहाया काफी ज्यादा परेशान होता है। और अब वहाँ पर वह सभी लोग अपनी कैचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बैठी सबको कुरुमी से बोल रही होती है कि उसने कल पूरी रात कुरुमी की कही गई बातों को समझने की कोशिश की, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब कुरुमी बोलती है, तुम यहाँ पर कहना क्या चाहती हो? सबको बोलती है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, पर सच तो यह है कि काज्याहाया हमेशा मेरी मदद करता है और वह काफी ज्यादा काइंड है और सबको काज्याहाया को किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकती है। कुरुमी बोलती है, वह इसीलिए क्योंकि आज से पहले तुमने काज्याहाया के अलावा किसी और से बात नहीं की है, तो फिर तुम एक बार के लिए काज्याहाया को छोड़कर किसी और से जाकर बात क्यों नहीं करती हो? तुम्हारे सीट के आसपास में कोई लड़का बैठता होगा, तुम्हें पहले उससे बात करना चाहिए। सबको बोलती है कि मेरे सीट के बगल में काज्याहाया बैठता है। इससे गुस्सा होते हुए कुरुमी बोलती है कि काज्याहाया के अलावा और कोई? यह सुनकर सबको सोचती है और उसे याद आता है कि उसके पीछे रियू बैठता है। वहीं पर कैचिंग प्रैक्टिस करते हुए काज्याहाया का दोस्त अपना बॉल काफी तेजी से फेंकता है और अब वह बॉल हवा में अपना डायरेक्शन चेंज करके सबको की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। यह देखकर वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तभी बीच में रियू आकर उस बॉल को कैच कर लेता है और सबको को बचा लेता है। अब रियू गुस्से में बोलता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, जिस पर काज्याहाया का दोस्त उससे माफी मांगने लगता है। अब यह देखकर कुरुमी बोलती है, तो यह है रियू। और अब कुरुमी हंसते हुए बोलती है, उसने अभी तुम्हें बचाया। सबको बोलती है, हाँ मुझे उसे थैंक्स करना चाहिए। और अब कुरुमी हंसते हुए बोलती है, हाँ तुम्हें उसे थैंक्स करना चाहिए और उसे बात करनी चाहिए क्योंकि तुम और रियू बिल्कुल एक जैसे हो। यह सुनकर सबको को कुछ भी समझ में नहीं आता और अब यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।